नमस्कार दोस्तों, जैसा कि कल सुबह ही मैंने बता दिया था कि आज कांग्रेस सरकार राजस्थान में भी कर्ज माफी की घोषणा कर सकती है और वो कर्ज माफी 2 लाख रुपए तक होने वाली है। तो जैसे मैंने न्यूज़ दी थी वो सही हुई और बुधवार शाम को कांग्रेस सरकार ने भी सभी किसानों का 2 लाख तक का कर्ज माफ कर दिया। तो दोस्तों, 2 लाख तक के कर्ज माफी में क्या क्या टर्म एंड कंडीशन है, वो किन किन किसानों पर लागू होगा, किन पे लागू नहीं होगा, मैं सभी ये इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो को पूरा देखना, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। लेकिन उससे पहले मैं आपको जब मध्य प्रदेश चुनावी सभा में राहुल गांधी ने जो भाषण दिया था कर्ज माफ़ करने के लिए, वो आपको मैं वो वीडियो दिखाने जा रहा हूँ और उसके बाद में मैं आपको उसकी टर्म एंड कंडीशन बताऊँगा। दोस्तों, ये कर्ज माफी की स्कीम सभी प्रकार के नेशनलाइज्ड बैंक और सरकारी बैंकों पे लागू होगी। तो मैं आपको नेशनलाइज्ड बैंकों में कौन कौन से आते हैं उनकी मैं लिस्ट आपको बता देता हूँ। इलाहाबाद बैंक, आंध्रा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कॉरपोरेशन बैंक, देना बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, IDBI बैंक, अभी प्राइवेट हो चुका है उस पर भी, ये पहले नेशनलाइज था, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सिंडिकेट बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और विजया बैंक, ये 21 बैंक। और इनके अलावा जो देखा जाए तो राहुल गांधी ने सबसे ये मध्य प्रदेश योजना लागू चुनावी रहेगी। सभा में घोषणा की थी कि वह तीनों राज्यों में किसानों का कर्जा माफ कर देंगे और उनकी सरकार आने के बाद छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान तीनों ही राज्यों में कांग्रेस सरकार ने किसानों का कर्जा माफ किया है। हम इस वीडियो में देखेंगे कि कर्ज माफी में क्या क्या टर्म एंड कंडीशन है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो कांग्रेस जो राजस्थान कांग्रेस ने जो अपना घोषणा पत्र दिया था उसमें एक सबसे बड़ी मेन चीज़ ये थी, उन्होंने जो घोषणा की थी कि किसानों का कर्जा माफ़ करने के लिए उन्होंने एक पूरा प्रोफार्मा दिया था, राजस्थान किसान कर्ज ऋण माफ़ी। उससे पहले जो वसुंधरा सरकार है उन्होंने भी 50,000 रुपये तक का राजस्थान का में सभी किसानों का कर्जा वो ऑलरेडी माफ़ कर चुकी थी और बजट में उन्होंने 50,000 तक के कर्जे की माफ़ी की घोषणा की थी। उसके बाद में जैसे ही राहुल गांधी ने अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री और सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री डिक्लेयर किया, तभी से कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस अपने वादा पूरा कर सकती है और सभी किसानों का कर्जा माफ़ कर सकती है। और जो किसान थे वो कांग्रेस की तरफ उम्मीद भरी दृष्टि से देख रहे थे, क्योंकि मध्य प्रदेश में जैसे ही कमलनाथ ने शपथ ली उसके 10 घंटे के भीतर ही जो पहला सिग्नेचर किया वो कर्ज माफी की फाइल पे था। इसके बाद में छत्तीसगढ़ ने भी तुरंत शपथ ग्रहण समारोह के तुरंत बाद कर्ज माफी की घोषणा कर दी। तो तीनों राज्यों में जिनमें कांग्रेस सरकारें आई थी उनमें राजस्थान ही एकमात्र राज्य था जिसमें कर्ज माफी की घोषणा नहीं हुई थी, लेकिन कल राजस्थान सरकार ने भी कर्ज माफी की घोषणा कर दी। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस कर्ज माफी की क्या क्या टर्म एंड कंडीशन है और यह कर्ज माफी किन किसानों पर लागू होगी, किन किसानों पे लागू नहीं होगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करना। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं जो सबसे ज़्यादा अगर आत्महत्या हो रही है या सुसाइड हो रही है तो किसान कर रहे हैं, और किसानों की जो भी पार्टियां हैं वो किसानों को एक बहुत बड़ा वोट बैंक भी मानती है। तो इसलिए किसानों के ऋण माफ़ी की घोषणा समय समय पर होती रहती है और उस ऋण माफ़ी से किसानों के चेहरे पे थोड़े समय के लिए मुस्कान ज़रूर आती है, लेकिन ओवरऑल किसानों का वही हाल रहता है, वही दुर्दशा रहती है। किसानों को ऋण माफ़ी करने के बजाय किसानों की ऋण माफ़ी करने के बजाय गवर्नमेंट को चाहिए कि वो किसानों की फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ाए और किसानों को उचित प्रोत्साहन दे, किसानों का प्रशिक्षण करवाए ताकि जो किसान आत्महत्या करते हैं, जैसे अभी केजरीवाल की रैली में किसान ने दिल्ली में आत्महत्या की थी, वैसे काफ़ी सारे किसान हर साल मरते रहते हैं और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन और इसके अलावा किसान पलायन भी कर रहे हैं, जो गांवों से किसान शहरों की तरफ कूच कर रहे हैं क्योंकि अभी खेती करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। दोस्तों, तो सभी सरकारों को यह चाहिए कि किसानों को उनके जो अनाज है उसका उचित मूल्य मिलना चाहिए ताकि कर्ज माफ़ी करने की नौबत ही ना आए और किसान खुशहाल ज़िंदगी जिए और सभी किसानों के चेहरों पे
खुशहाली आए, शांति खुशी आए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कर्ज माफी से उल्टा अर्थव्यवस्था पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। कर्ज माफी के बजाय सरकार को चाहिए कि किसानों का को उनका फसल का उचित मूल्य दिलाए, और इस कर्ज माफी ने थोड़े समय के लिए ही सही लेकिन किसानों के चेहरों पे खुशी जरूर ला दी है। अभी ये दोस्तों हम देखते हैं कि इस कर्ज माफी में कौन कौन टर्म एंड कंडीशन। सबसे पहले जो इस कर्ज माफी की जो टर्म एंड कंडीशन वो यह है, ये कर्ज माफी 30 सितंबर 2018 में जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस था उसके ऊपर लागू होगा। और अगर 50,000 रुपये तक की छूट वसुंधरा सरकार ने उनको दे दी है ऑलरेडी, तो वो छूट इसमें से कम हो जाएगी। सपोज करो किसी को 50,000 रुपये की ऑलरेडी छूट मिल चुकी है, तो उसको अभी 1.5 लाख तक की ही छूट मिल सकती है। इसके अलावा जो तीसरी बड़ी कंडीशन यह है कि सभी लोन अल्पकालीन लोन होने चाहिए, जो शॉर्ट टर्म के लिए लिए हुए हो 1 साल तक से कम। अगर दीर्घकालीन लोन है तो वो उस पर इस पे उनके वो कंडीशन इस पे लागू नहीं होगी। तो दोस्तों ये कांग्रेस का ये जो प्रयास है उसने किसानों के चेहरे पे थोड़े समय के लिए खुशी जरूर लाया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो मेन घोषणा पत्र है उसके में क्या क्या टर्म कंडीशन है, तो देखते हैं टर्म एंड कंडीशन। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की दर पर राजस्थान सरकार भी किसानों के कर्ज माफी की घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसकी घोषणा बुधवार शाम को कर दी। प्रदेश में सरकारी और राष्ट्रीयकृत बैंकों के 2 लाख रुपये तक के लोन माफ होंगे। ये लोन सितंबर 2018 तक बकाए लोन में से माफ होंगे। भाजपा सरकार की ओर से माफ किए गए लोन भी इसमें शामिल होंगे। तो दोस्तों जिन जिनका लोन भाजपा सरकार ने माफ किया है वो भी इसमें शामिल होंगे, लेकिन इसमें कंडीशन ये होगी कि जो उनका 50,000 तक का लोन माफ किया था उसको इसमें से अमाउंट में से कम कर दिया जाएगा। बाकी का उनकी अमाउंट 1.5 लाख रुपए तक ही रहेगी, और ये कोऑपरेटिव बैंक और नेशनलाइज बैंक दोनों पे लोनों पे लागू होगा। अब इसके बाद में देखें तो मुख्यमंत्री ने कहा कि लोन माफी में 18,000 करोड़ का भार पड़ेगा, इसमें सहकारी व राष्ट्रीयकृत बैंक के अल्पकालीन ऋण शामिल होंगे। तो दोस्तों दूसरी कंडीशन ये है कि इसमें जो अल्पकालीन लोन है वही शामिल होंगे, जो दीर्घकालीन जो लंबे टाइम के लिए लिए गए हैं वो इसमें शामिल नहीं होंगे। इसके अलावा राष्ट्रीयकृत बैंक का लोन नहीं चुकाने वाले डिफॉल्टरों के लोन भी माफ़ होंगे। तो नेशनलाइज बैंकों के जो भी डिफॉल्टर हैं वो भी उनके लोन भी माफ़ किए जाएंगे, और इससे टोटल 18,000 करोड़ का सरकार पे बोझ पड़ेगा। भाजपा सरकार ने के समय 6,000 करोड़ रुपए भी माफ होंगे शामिल होंगे। जो 6,000 करोड़ रुपए माफ़ किए थे भाजपा गवर्नमेंट ने वो इसमें शामिल है। और आगे देखते हैं दोस्तों, तो दोस्तों देखते हैं अल्पकालीन लोन क्या है। सहकारी बैंक फसल के लिए लोन 1 साल के लिए देते हैं, इस लोन पर किसान से ब्याज नहीं लिया जाता। जो कोऑपरेटिव बैंक देते हैं उस पर ब्याज नहीं लगता है, और वो 1 साल के बाद में अगर नहीं बढ़ता है तो ही ब्याज चालू होता है उस पर। बाकी का जो नेशनलाइज बैंक देते हैं उसमें 7% इंटरेस्ट लगता है, जिसमें से 3% वापस मिल जाता है, तो किसानों को 4% इंटरेस्ट उस पर देना पड़ता है। ये जो लोन दोनों हैं वो 1 साल के लिए दिए जाते हैं। ये दोनों ही प्रकार के लोन गवर्नमेंट ने माफ़ कर दिए हैं। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर देना।